हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज फ्रिक्शन। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था फोर्स एंड प्रेशर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि फोर्स हमारे पास क्या होता है और उसके टाइप्स पढ़े थे, और उसके अंदर हमारे पास था कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फ्रिक्शन था हमारा वो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारे पास, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे पास होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन के होता है जिस साइड हम फोर्स लगाते हैं, कॉज ऑफ फ्रिक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन कई जगह हमारे लिए एडवांटेजियस होता है और कई जगह डिसएडवांटेजियस भी होता है हमारे लिए, मेथड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल्स के थ्रू जो कि हमारे पास है। देखिए, एक हमारे पास अगर हम देखें कि फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं तो वो ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद अपने आप ही क्या होती है, रुक जाती है। तो वो किस कारण होता है, कोई ना कोई एक फोर्स होता है उसको अपोज करता है, यानी कि बॉल को किक करने के बाद वो ग्राउंड पे मूव करती है और धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, और स्लो डाउन होने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो रुक जाती है, यानी कि उसको क्या कर रहा है, कोई ना कोई एक फोर्स जो है उसको अपोज कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई हम व्हीकल चला रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर आप एक्सेलरेट ना करो उसको तो वो थोड़ी देर बाद उसकी मूवमेंट जो होती है एक टाइम पे स्टॉप हो जाती है। तो वो किस कारण से हो रहा है, हमारे पास एक कोई ना कोई फोर्स है जो कि उसको अपोज कर रहा है मूवमेंट को। तो वही फोर्स क्या होता है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जो कि कोई भी एक मूवमेंट होती है उसको अपोज करता है। तो बात करते हैं हम एक फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू कि क्या होता है। देखिए, यहां पे एक कोई भी बॉक्स है हमारे पास जो कि एक सरफेस पे है, इस पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, हमारे पास वेट के कारण होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एमजी फोर्स। तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है हमारे पास W, जो कि हमारे पास mg, एंड एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि होगा हमारे पास नॉर्मल फोर्स, जो कि हमारे पास होगा नॉर्मल फोर्स। यानी कि एक देखा जाए स्टेबल कंडीशन के अंदर, स्टेबल कंडीशन के अंदर इस तरीके से होता है कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों ही इक्वल होते हैं। क्या होता है, वर्टिकली पोजिशन के अंदर जो हमारे पास W होता है वो किसके इक्वल होता है, नॉर्मल फोर्स के अंदर। इसलिए हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर देखा जाए W माइनस N तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम उस पर कुछ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां से राइट हैंड साइड की तरफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उतना ही कुछ मोमेंट के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। यानी कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम यहां पे एफ, और उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। तो अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टली अगर जितना अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और उतना ही अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स वापस लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी होगी वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। यानी कि वो क्या हो रहा है, उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि क्या है, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही वापस हमारे को फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर कोई भी चीज स्टैटिक है तो दोनों ही फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और नेट फोर्स क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ। तो नेट फोर्स इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है कि अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों इक्वल होते हैं तो नेट फोर्स जीरो है, और राइट हैंड साइड के अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे पास एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है, वो दोनों इक्वल होंगे। तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों ही नेट फोर्स हमारे पास जीरो होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो बॉक्स है वो एक स्टेबल कंडीशन के अंदर होगा और वहां पे एक कोई भी मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो पाएगी। मूवमेंट कब पॉसिबल हो पाती है, जब एक्सटर्नल फोर्स जब हम लगा रहे हैं वो ज्यादा हो जाएगा किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के, तभी वो मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगी।
तो आप एग्जांपल देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था, जो कि फुटबॉल एंड यहाँ पे एक व्हीकल का किया था। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने देखा है कि कोई भी एक चीज है, जैसे कि हमने कार का एग्जाम्पल लिया है, उसको एक्सेलरेट करता है और वहां से अगर एक्सेलरेट करना बंद कर दे तो थोड़ी मूवमेंट के बाद में क्या होता है, उसका स्टॉप हो जाती है। तो वो क्यों स्टॉप हो रही है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लग रहा है, जो कि क्या होता है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम सरफेस की बात करें, अगर हम उसको नेकेड आई के थ्रू देखते हैं तो वो हमारे पास काफी स्मूथ दिखता है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाए तो उसमें कई सारे इरेगुलरिटीज होती है। उसमें अगर देखा जाए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिक्चर जिसके अंदर देखो कई सारी इरेगुलरिटीज है, यहाँ पे कई सारे माउंटेन्स और कई सारे वैलीज बन रही है। तो होता यह है कि जब दोनों ही सरफेस के अंदर माउंटेन्स एंड वैलीज होती है हमारे पास, जब उसका मूवमेंट कराया जाता है तो उससे पहले की जो कंडीशन होती है स्टैटिक कंडीशन हमारे पास, जब वो स्टेबल होता है तो माउंटेन एंड वैलीज दो अंदर क्या होता है, एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं। कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं, तो एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने तक वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो उन इरेगुलरिटीज के कारण क्या होता है, वो लॉक हो जाती है और हमको एक फोर्स अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है जिसके कारण उनकी इंटरलॉक क्या होता है, खत्म हो जाती है और वो मूवमेंट के अंदर आ जाता है। तो मेन जो रीजन है हमारे पास के फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है, वो होता है सरफेस के कारण, सरफेस की स्मूथनेस के कारण। जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ नहीं हो पाएगी हमारे पास, जितने ज्यादा इरेगुलरिटीज होगी हमारे पास, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन हमारे पास होगा। फ्रिक्शनल अकर्स बिकॉज नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, इवन सरफेस दैट लुक स्मूथ टू द नेकेड आई मेक लुक रफ एंड बम्पी व्हेन व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप। लुक एट द मेटल सरफेस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, जो मेटल की सरफेस है काफी स्मूथ है, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सारे अपन को क्या दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं और कई सारी वैलीज दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कई सारे इरेगुलरिटीज है हमारे पास। द सर्फेस ऑफ मेटल अपीयर टू वेरी बम्पी, ऑल दोज माउंटेन्स एंड वैलीज कैच एंड ग्रैब द माउंटेन एंड वैलीज ऑफ एनी अदर सर्फेस दैट कॉन्टेक्ट द मेटल। यानी अगर हम उसको किसी और सरफेस के अंदर रखे तो माउंटेन्स एंड वैलीज क्या हो जाएगी, एक दूसरे को कैच कर लेंगे, जिसके कारण वहां पे फ्रिक्शन होगा हमारे पास। तो मेनली जो फ्रिक्शन होता है हमारे पास वो किस कारण होता है, माउंटेन एंड वैलीज, जो कि हमारे पास इरेगुलरिटीज होती है सरफेस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस। अगर अपन को क्या है कि फोर्स अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर हमको मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस का। तो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजरिंग बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन ग्रेजुएटेड स्केल। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यानी कि हम स्केल ये देख पा रहे हैं, पिक्चर आप स्प्रिंग बैलेंस है। अगर यहाँ पे हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसको पुश करता है तो ये स्केल का जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है, और वो जहां मूव करता है वो ये शो करेगा कि यहाँ पे कितना फोर्स लग पा रहा है यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है हमारे पास कई सारी चीज है, मेनली दो चीज है उस पर डिपेंड करता है। जो फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस, यानी कि हमने पहले ही बात की है कि कोई भी सर्फेस कितना स्मूथ है और उसके अंदर कितनी इरेगुलरिटीज है हमारे पास, और दूसरा है द फोर्स विच टू सर्फेसेस आर प्रेस्ड टूगेदर। यानी कि अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट के वेट पे भी डिपेंड करता है कि उस पर कितना फ्रिक्शन होगा। तो बात करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सर्फेसेस। पहले भी बात कर चुके हम कि जितना ही स्मूथ सरफेस होगा हमारे पास उतना ही फ्रिक्शन कम हो पाएगा। द फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ रफनेस ऑफ द टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं हमारे पास दो सरफेस है, एक हमारे पास है आइस सरफेस और दूसरी है ग्रास सरफेस। तो आइस सरफेस जो है हमारे पास उसके अंदर क्या है कि स्मूथनेस ज्यादा है और ग्रास सरफेस के अंदर स्मूथनेस कम होगी, यानी कि यहां पे जो फ्रिक्शन होगा हमारे पास कम होगा और यहां पे फ्रिक्शन हमारे पास ज्यादा होगा। When the two surfaces in contact are smooth,
then the friction between them will be small because the interlocking of smooth surface is less. Smoothness ज़्यादा है, यानी कि उनके बीच में क्या होगी? Irregularities हमारे पास कम होगी, irregularities हमारे पास कम होगी, तो वहाँ पे friction कम होगा. And when the two surfaces in the contact are very rough, यानी कि कोई भी सरफेस अपने पास ज्यादा रफ है, यानी कि वहां पे क्या है, ज्यादा irregularities है, यानी कि वहां पे क्या होगा, माउंटेन्स एंड वैलीज के बीच में इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी और हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. देन द फ्रिक्शन बिटवीन देम विल बी वेरी लार्ज बिकॉज द इंटरलॉकिंग ऑफ वेरी रफ सरफेस इज वेरी हाई. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी के अंदर डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विद टू सर्फेसिस आर टूगेदर. यानी कि अगर हम देखें कि इरेगुलरिटीज हर एक जगह हमारे पास प्रेजेंट होती है, अगर वही इरेगुलरिटी के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पे अगर देखे बॉक्स है, एक जो बॉक्स है हमारे पास लाइट बॉक्स है और दूसरा बॉक्स होगा हैवी बॉक्स, तो ऐसा होगा कि इरेगुलरिटीज यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इरेगुलरिटीज सेम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो होगा लाइट बॉक्स होगा, तो इरेगुलरिटीज के कारण वहां पे एक नॉर्मल फोर्स अगर हम लगाए, यानी कि अगर हम देखे यहाँ पे हम 6 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ये बॉक्स मूवमेंट के अंदर आता है क्योंकि इंटरलॉकिंग जल्दी से यहाँ पे टूट सकती है. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें हैवी बॉक्स है, इसके इंटरलॉकिंग अगर ब्रेक करनी हमें तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है, यानी कि हमें यहाँ पे 12 न्यूटन की जरूरत पड़ सकती है. यानी कि जो हमारे पास है फ्रिक्शन वो बॉक्स के वेट पे भी डिपेंड करता है. द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ द टू सर्फेसिस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट. इफ द टू सर्फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर प्रेस्ड टुगेदर हार्डली बाय अ greater force, then the friction will increase because pressing together two surfaces of object with a greater force will increase the interlocking in the two surfaces. अब हम एक example लेते हैं. देखिए यहाँ पे अगर हम तीन slides ले, यहाँ पे इसकी smoothness है वो सबसे ज्यादा है A की, then यहाँ पे irregularities B and C के अंदर थोड़ी ज्यादा है. अगर यहाँ से हम एक ball को थ्रो करें तो सबसे ज्यादा दूर जो जाएगी बॉल हमारे पास वो कौन सी होगी, जो सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी, और सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस हमारे पास कौन सी है, ए. यानी कि ए को अगर देखा जाए तो वो यहां तक पहुंच पाएगी. देन यहाँ पे इरेगुलरिटीज ज्यादा है इस सरफेस पे, तो अगर देखा जाए तो ये बॉल कहीं यहां तक जा पाएगी, और सबसे ज्यादा इरेगुलरिटीज हमारे पास कहां पे होगी, सी वाले सरफेस पे, तो वो बॉल यहां तक ही मूवमेंट कर पाएगी. यानी कि हम देख चुके हैं कि जो फ्रिक्शन है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, इरेगुलरिटीज, यानी कि कौन सा सरफेस कितना स्मूथ है और कितना रफ है. तो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. थैंक यू.